कुदरत के पंच महाभूत तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि और इसी पांच तत्वों से बना है मनुष्य का शरीर। समय के साथ और आधुनिक जीवन शैली के कारण हम इस कुदरती तत्वों से दिन ब दिन दूर चले जाते हैं और उनका नतीजा स्ट्रेस, हार्ट अटैक, वायरल इन्फेक्शन और ऐसे बहुत सारे रोगों के रूप में सामने आता है, जिसको हम दवाइयाँ लेकर तुरंत ठीक तो कर देते हैं, लेकिन ली गई दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट और वही सारे रोग फिर से होने का डर बना रहता है। इस स्ट्रेस से भरी लाइफस्टाइल और सारे रोगों को जड़ से दूर करने के लिए कुदरती वातावरण, कुदरती खुराक, आवश्यक नींद और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज़रूरी है। पर रोज़ बरोज़ इस भागादौड़ी में हम ये प्राकृतिक जीवन शैली अपना नहीं सकते, लेकिन एक रास्ता तो ज़रूर है कि साल के कुछ दिनों के लिए हम प्रकृति के बीच में रहकर प्राकृतिक जीवन शैली जिए या फिर से जीने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से ही हमारे जीवन में फ़ायदा तो होता ही है। और मेरे अपने अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि ये फ़ायदा इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, पर मूलभूत प्रश्न ये होता है कि हमें यह नहीं पता होता कि ऐसी जीवन शैली जीने के लिए कौन सा स्थल है, कौन से लोग है जिसके बीच में जाकर साल में थोड़े समय के लिए हम अपने खुद के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जी सकते हैं। ऐसी प्राकृतिक जीवन जीने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो एक ऐसी ही जगह है। यह है रतनवीर नेचर केयर सेंटर और तारामती वेलनेस सेंटर और योग इंस्टीट्यूट। हमारे भारत के गुजरात राज्य में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मुंद्रा मांडवी हाईवे रोड पर बिदरा स्थित और बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट में चलाया जाने वाला कुदरती वातावरण के बीच में स्थित रतनवीर नेचर केयर और तारामती वेलनेस सेंटर अपने आप में ही अनोखा है। यहाँ आने के बाद यहाँ का कुदरती वातावरण, कुदरती चिकित्सा पद्धति, योगा, मेडिटेशन, कुदरती खाना और मुक्त जीवन तरोताजा कर देता है। साथ में इस नेचर केयर सेंटर में अपनी सेवा देने वाले लोगों का मिलनसार और हकारात्मक स्वभाव, समर्पण की भावना और अपनापन जो हम में पॉजिटिव एनर्जी और नई ताकत से भरकर हमारा कायाकल्प करता है। देश विदेश के जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो बार बार यहाँ वापस आने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आज हम कुदरत के बीच में बसा और पिछले 20 सालों से कार्यरत रतनवीर नेचर केयर सेंटर की पहले मुलाकात करेंगे। उसके बाद 3 साल से कार्यरत तारामती वेलनेस सेंटर और योगा इंस्टीट्यूट भी देखेंगे। वीडियो के अंत में हम यहाँ के सीनियर डॉक्टर से बातचीत करके नेचुरोथेरेपी और इस नेचर केयर सेंटर की पूरी जानकारी लेंगे। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं हर मनुष्य को इस प्राकृतिक जगह और कुदरती थेरेपीज की जरूरत होती है। तो इस वीडियो को देखकर आप भी नेचर सेंटर की मुलाकात लेकर अपने आप को नई जिंदगी दे सकते हैं।
एक्टिव होता है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आपके एब्डोमिनल मसल्स पे होता है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जिनका आसन, जिसमें इसको भी जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई क्रॉनिक इशूज है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। हाँ, जैसे जैसे हम आसन को आपको बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में जाना है। अगर आप इस सीक्वेंस के तहत काम करेंगे तभी इसका इफेक्ट मिलता है। ये लास्ट में मकर आसन एक रिलैक्सेशन आसन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है, बैलेंस करता है। सिस्टम की तरह से जानते हैं, आधुनिक
जीवन शैली में, जीवन शैली बदलाव के माध्यमों में एक अच्छा रास्ता नेचुरोपैथी से मिलता हुआ दिखता है। सो लोगों का रुझान नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहा है, और सही मायने में अगर इसे सिर्फ मेडिकल साइंस कहें तो ये इसको पूरा, इसकी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि मेडिकल साइंस के साथ साथ ये कल्चर भी है। नेचुरोपैथी हर अलग अलग तरीके के कल्चर में व्याप्त उनके ट्रेडिशनल थेरेपीज को जोड़ करके तैयार हुई है। जैसे भारतीय परिवेश में मालिश का जो महत्व है, एक्सरसाइज के रूप में योग का महत्व है। एक्जोटिकली अगर देखें तो अफ्रीकी कंट्रीज में मैग्नेट थेरेपीज का इस्तेमाल किया गया था, या फिर हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल यूरोप में किया गया था। उपवास की चिकित्सा हमारे कल्चर का भी पार्ट है, इस्लामिक कल्चर का भी पार्ट है, और अलग अलग थेरेपीज जो कि जापान, चाइना से और भी लगातार जुड़ने वाली थेरेपीज नेचुरोपैथी को और भी अपग्रेड कर रही हैं। लेकिन फिर भी इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। थेरेपी लेते हुए आपका डॉक्टर आपके साथ आपके जीवनचर्या को बदलने पर काम करता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर डिटेल में आपकी स्टडी करें। तो कंसल्टेशन, जिसे हम आमतौर पे मेडिकल लैंग्वेज में कंसल्टेशन कहते हैं, ये कंसल्टेशन बनाम काउंसलिंग है। और ये तब होता है जब कई सेटिंग्स में डॉक्टर आपके साथ बैठते हैं और आपको जान पाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जान पाता है, सोने उठने के समय सारणी को समझ पाता है, जीवन में आने वाली आंतरिक दिक्कतों जिसमें आपका खुद का ध्यान नहीं है उसको पकड़ पाता है, कुछ एनालिसिस भी करते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि सिर्फ बाहरी ही शरीर नहीं, मन का भी इलाज होता है, इस तरह से नेचुरोपैथी में किया जा सकता है। बिल्कुल, दोनों टाइप की नरेशन होती है, दोनों टाइप की। शरीर एक हिस्सा है, और शरीर के पीछे शरीर को चलाने वाला एक हिस्सा है मन और भावना यानी इमोशन, और इन तीनों चीज़ों को यहाँ एनालाइज करना ज़रूरी है। नेचुरोपैथी कुछ सिद्धांत पे काम करती है, ज़रूर करती है। इसको जो बनाने वाले इसके पॉइनियर्स हैं, ये आमतौर पे कोई ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट नहीं है, ये आमतौर पे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, और ख़ास कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की प्रैक्टिस के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि एलोपैथी में पूरा इलाज नहीं है, जिसे क्योर कहते हैं। एक चीज़ जिसे क्योर वास्तव में कहते हैं वो है बॉडी हील्स इटसेल्फ, बॉडी खुद ब खुद एक प्रयास करती है क्योर की तरफ। और ये क्योर की घटना घटती है जब हम अपने बॉडी को अलाउ करते हैं, और ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों बीइंग पर होता है। हालांकि कई सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये पता चला कि जीवन शैली में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इनर्वेशन, यानी आपकी जैविक ऊर्जा का थकना। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं लाइफ में, तो जैविक ऊर्जा थकेगी, और थकने की वजह से समय से पहले वो छिन्न हो जाएगी। तो नेचुरोपैथी पहली बार एजिंग या डीजनरेशन की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के पहले नेचुरोपैथी कहती है कि ऐसे कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करें जो साइड इफ़ेक्ट लेस हो या जिसका साइड इफ़ेक्ट कम हो। और कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ड्रग्स का यूज़ या सर्जरी का यूज़ उसे वो पूरी तरह से नहीं मानती। उससे कई बार हमने भी देखा कि
कई सर्जिकल प्रोसीजर्स इल ऑपरेटिव या इल एडवाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो नेचुरोपैथी सर्जरी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप दवाइयों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस पर भी जानकारियां देती हैं। फिर नेचुरोपैथी का एक और प्रिंसिपल है, वो कहता है कि एक्यूट डिजीज जैसे सर्दी, जुकाम, नज़ला, फ्लू, डायरिया, ये आपके दुश्मन नहीं हैं, ये तो मित्र हैं, और अगर इनको आने देंगे, समय समय पर इनको आने देते रहना चाहिए। अगर इनको आने देते रहेंगे तो आपके शरीर में ये सफाई करते रहते हैं। अच्छा, यानी कि हर सीजन चेंज हो तो ये होना जरूरी होता है। हाँ, इस तरह से माने तो हाँ ऐसे ही माने हम। हाँ, सीजन के हिसाब से जो बदलाव हमारे शरीर में आते हैं वो होने ही चाहिए। हाँ, शरीर में हमारे अलग अलग टॉक्सिसिटी को निकालने वाले चैनल्स हैं, और ये एक्यूट डिजीजेस इन टॉक्सिसिटीज को निकालने का बहाना है। बुखार के माध्यम से स्किन से ये टॉक्सिसिटी निकल जाती है, और डायरिया के माध्यम से पेट से यानी गट से ये टॉक्सिसिटी निकलती है। तो इस तरह से इनको दबाया नहीं जाना चाहिए, और हम सामाजिक हमारा जो परिवेश है वो ऐसा है कि किसी को 99-100 डिग्री बुखार भी हुआ तो हम दौड़ करके डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेके आते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत। उसके बाद एक हिस्सा जो नेचुरोपैथी का है वो फास्टिंग के बारे में बात करता है। कहते हैं कि भाई फास्टिंग अपने आप में संपूर्ण इलाज है, और फास्टिंग के तरीकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबके लिए एक ही तरीके की फास्टिंग नहीं है, अलग अलग तरीके के फास्टिंग की विधाओं को समझना, प्रयोग करना और फिर उपयोग दैनिक उपयोग में ले आना। अगर आप बगैर समझे किसी विधा में चले जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो फास्टिंग जैसी जो थेरेपी प्रोसेस है वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। अच्छा, महीने में या वीक में किस तरह से होना चाहिए? अगर वैसे शरीर को 15 दिन में एक बार आप फास्टिंग दे सकते हैं, और उस फास्टिंग को जिसे नेचुरोपैथी फास्टिंग कहते हैं वो है एब्सटिनेंस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फूड, यानी आपको कुछ भी नहीं खाना है, और उसे लिक्विड डाइट पर रोका जा सकता है। लिक्विड डाइट जैसे फ्रूट जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं, और कोशिश करनी है कि शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम हो, शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल ना हो, दूध या मोटे भारी पदार्थ का इस्तेमाल ना हो। फास्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन किया जाना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि शरीर सफाई कर रही है, और उसी फास्टिंग के समय शरीर को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स दिया जाना चाहिए, जैसे एनीमा है, मड पैक है, मालिश है, प्राणायाम है, जिससे शरीर के चैनल से ये गंदगियाँ बाहर निकल सके। फिर नेचुरोपैथी सेंटर्स में जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं, वो तीन भाग में डिवाइड होते हैं। पहले तो कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में इंडल्ज करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी शरीर की सफाई, और ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में कितनी टॉक्सिसिटी है, इसे हम विजातीय द्रव्य कहते हैं, और अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा समय लेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा समय लेने वाला है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन कम समय लेता है तो हम तुरंत सूदिंग फेज में चले जाते हैं, यानी आपको शरीर की सफाई होने के बाद आहार की तरफ फिर से मोड़ देते हैं। अब ये आहार स्टिमुलेटरी नहीं होना चाहिए नेचर में, ये आहार ऐसा हो जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, आसानी से पके होने वाले आहार हों, प्लांट बेस्ड हों, सब्जियों का ग्रोथ हो, सूप हो, पतली खिचड़ियाँ हों, और ये शरीर को अभ्यस्त करने के लिए है कि आप शरीर में न्यूट्रिशन का फिर से जुड़ाव बन सके। और जब सूदिंग फेज खत्म होता है तो फिर शुरू होता है कंस्ट्रक्टिव फेज। यहाँ
जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी की जाती है। तो ये डाइट का हिस्सा हुआ और वैसे ही ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, और वो है हम शुरुआत के कुछ दिनों में क्लीनिंग कराने वाले ट्रीटमेंट देते हैं, इसको कहते हैं हाइजीनिक ट्रीटमेंट्स या नेचुरोपैथी हाइजीन। जैसे एनीमा दिया तो पेट की सफाई होगी, स्टीम बाथ दिया तो स्किन की सफाई होगी, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा तो आपके लंग के माध्यम से क्लियरेंस होगा। उसी तरह से मड बाथ दिया तो शरीर के अंदर जो मिनरल टॉक्सिक्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। मालिश किया तो खून के अंदर जो लिम्फ का जमाव है वो साफ हो जाएगा। एक्सरसाइजेस की तो खाना जो इनटेक करते हैं और जो सिक्रीशन या एक्सक्रीशन जो बाहर जाता है मूत्र मल के माध्यम से, उसके बीच में बैलेंस स्थापित हो जाएगा। और अलग अलग इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स ट्रीटमेंट के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रीटमेंट का, और वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी सही समय पर सोकर के उठना और सही या नियत समय पर सोने के लिए चले जाना, दिन में एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक करना, और ये ध्यान देना कि सारा पानी एक ही बार में नहीं पीना है, या मेजर मील बड़ा खाना दिन में एक से दो बार ही खाना। बड़े खाने में ये भी कंसीडर करना कि आप सिर्फ शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं कर रहे हैं, एक संतुलित डाइट ले रहे हैं। एक्सरसाइज जरूरी रूप से दिन में एक घंटे करना, और मन को सुधारने के लिए कम से कम दो बार दिन में प्रेयर करना। अगर इतनी लाइफ स्टाइल आप फॉलो करें तो ये नेचुरोपैथी लाइफ स्टाइल है। यानी जैसा भी कह सकते हैं पूरे दिन की शेड्यूल है, जैसे स्टेप वाइज है, हमें खाना है दो दो घंटे के बाद, पानी भी धीरे धीरे करके पीना है, इस तरह से यानी पूरा रूटीन है वो रेगुलर रखना है, उसी से ही शुरुआत होती है। और जैसे बोलते हैं कि नेचुरोपैथी का नियम है कि आहार है वही औषध है, वो सही मायनों में है होता है नेचुरोपैथी में। और रतनवीर नेचर केयर सेंटर में कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी तकलीफ है तो वो तो आते ही है, कौन कौन सी तकलीफों में यहाँ क्योर होता है, और हेल्दी पर्सन भी आ सकते हैं तो उसके लिए भी क्या है सर, तो वो आप डिटेल में बताइए। रतनवीर नेचर केयर सेंटर और साथ साथ तारामती वेलनेस एवं योगा इंस्टीट्यूट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, जहाँ रतनवीर नेचर केयर सेंटर ज़्यादातर शारीरिक समस्याओं का निदान और उसकी इलाज की विधियों को इस्टेब्लिश करता है, तारामती वेलनेस सेंटर और योग इंस्टीट्यूट मन का शरीर पर होने वाले प्रभाव का विशेष रूप से एक तरीका तैयार करता है, और दोनों ही कंसल्टेशन बेस्ड प्रोग्राम है। डॉक्टर यहाँ मरीजों के साथ जिन्हें हम गेस्ट कहते हैं उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ट्रीटमेंट्स के साथ बदलाव करता है, और समय समय पर उनको इन ट्रीटमेंट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती तो करता है। हमारे जो रोगी हैं जिन्हें हम गेस्ट कहते हैं वो आमतौर पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या स्लीप डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, जॉइंट डिसीजेस या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ऐसे नॉन कम्युनिकेबल स्ट्रक्चर के होते हैं, कम्युनिकेबल नहीं होते, जैसे कोई छूत का रोग है तो वो नहीं आएगा यहाँ। अब जैसे फ्लू है, कोरोना है, इस तरीके के मरीज यहाँ नहीं रखे जाएंगे, टीबी है, तपेदिक है, इस तरीके के मरीज यहाँ नहीं रखे जाएंगे। ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज या फिर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इंसॉम्निया,
संज्ञानात्मक शून्यता जैसे डीजेनरेटिव चेंजेस या आपका अल्जाइमर डिमेंशिया जिनको मेमोरी का भ्रम हो रहा है वगैरह वगैरह, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, इस्कियल इस्टीमिक हार्ट डिसीज या फिर आर्थराइटिस, बैक पेन, अलग अलग तरीके के ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे रोमेटिक डिसीज, एंकलोइजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इस खास अलग अलग तरीके के रोगियों को यहाँ पे हम रखते हैं और उनको समय समय पर चेक करते हैं और उनकी प्रोग्नोसिस लेते हैं। इलाज शुरू होता है कुछ लैब टेस्ट से जिसमें हम गेस्ट के मेटाबॉलिक प्रोफाइल का पता चल जाता है, उनके सिस्टम का पता चल जाता है और फिर हम उनके साथ एक गहन सिटिंग में गहन अध्ययन उनका करते रहते हैं और उनके सब्जेक्टिव फीलिंग सिम्टम्स को पकड़ते रहते हैं। मालिश जैसी चिकित्सा एक्सरसाइज जैसी विधि का पूरक है तो हम डिटॉक्सिफिकेशन खत्म हो, जल्दी खत्म हो, इसके लिए मालिश को ज़्यादा देते हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंटेंसिफाई कर देता है। एक्सरसाइज की दिन में कई छोटी छोटे सेशंस हों जिससे जो भी आपने इनपुट किया है, जो भी टॉक्सिक मैटर शरीर में है उसका आउटपुट हो सके, आपकी सोने की उठने की प्रणाली एकदम दुरुस्त हो, उसके लिए हम दिन में आपको उतने छोटे छोटे वर्कआउट में लगाएं ताकि सही समय पर आते आते आपकी आंखें झपकने लगे, नींद आने लगे। लाइट का भी प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि शाम होने पर आप एक्सेस लाइट में ना रहें, यहाँ एनवायरनमेंट को ऐसा यहाँ पे बनाया है या घरों को कमरों को ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया गया है कि क्रॉस वेंटिलेशन रहे, बाहरी ताजी हवा एंटर हो, सुबह सवेरा होते ही सूरज निकलते ही जो कॉस्मिक लाइट है, सूरज की लाइट है, वो घर में प्रवेश करे और फिर आप नेचर के फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगे। तो ये वो हिस्से हैं जिससे हम आपको नेचर से जोड़ते हैं। आपके पांच एलिमेंट्स जिसमें पहला एलिमेंट आपका शरीर है जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और उसको जैसे ही हम माँजते हैं आपका दूसरा एलिमेंट वाटर उस पर प्रभाव पड़ने लगता है और शरीर से टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है और जैसे ही टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है तीसरा एलिमेंट मेटाबॉलिज्म जिसको फायर कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है और वो शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको जला देता है। अशुद्धियाँ जलते ही आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है जिसको वायु कहते हैं और बड़ी ही ऊर्जा के साथ आप शांति को महसूस कर सकते हैं जिसे आकाश शब्द कहते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे हम अप्लाई करते हैं। इन पांच तत्वों का मिलन जो बेसिक हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है उसी को कहे तो वही नेचुरल थेरेपी फॉलो करता है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। और यहाँ ट्रीटमेंट तो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से, मैं हर साल आती हूँ यहाँ, अपने जैसे मुझे ही नई जिंदगी मिले है उसी तरह से सबको यहाँ से सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं लेकिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो सब कुछ इतना अच्छा मिलता है कि उसकी तो मैं कोई तारीफ करूँ वो शब्द ही कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट का शेड्यूल कहाँ से स्टार्ट होता है? सुबह ये तो तभी शुरू हो जाता है जब आप सुबह सोकर उठते हैं। वैसे जैसे मैंने बोला कि एक के बाद एक आपको किसी न किसी वर्कशॉप का पार्ट होना होता है। पहला वर्कशॉप होता है सुबह 6 बजे जब हम ग्रुप में आपको योगा अभ्यास कराते हैं और एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, शरीर आपका धीरे धीरे जग रहा है, उसी समय आप स्ट्रेचिंग करें। और लोग सोचते हैं कि स्ट्रेचिंग को बाद में करना चाहिए, मैं नेचुरोपैथी के माध्यम से हमने ये सीखा कि पहले स्ट्रेचिंग करें और बाद में एक्सरसाइज करें। और योग का ये क्रम जिसमें षटकर्मा मतलब एक क्लींजिंग थेरेपी और स्ट्रेचिंग यानी ऑर्गन्स को खोलने की विधियाँ, उसके बाद 1 घंटे का समय होता है जब आपको
नेचर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उसमें आप वॉकिंग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। 7 से 8 बजे का समय, 8 बजे जो है नाश्ते का समय शुरू होता है। नाश्ते में अपना नाश्ता आप चुनते हैं और नाश्ते को हल्का रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको और भी थेरेपीज में जानी होती हैं। और अगर उसे फ्रूट बेस्ड नाश्ता बनाएं तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल बनी रहती है। ट्रीटमेंट्स 9 बजे शुरू होते हैं और पहला ट्रीटमेंट आपके रूम में ही आपको दिया जाता है। आपके पेट पर मिट्टी का पैक लगा करके और आपके माथे पर, आंखों पर मिट्टी का पैक लगा करके वो चले जाते हैं। ये आपको अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए है और एक भूतपूर्व ठंडक जो है पेट में पैदा करती है। और किसे कहा गया है कि पेट को ठंडा रखें और पैर को गर्म, तो पेट को ठंडा करते ही आपकी शरीर की ऊर्जा फिर से रीसेट होने लगती है और फिर आप दूसरे ट्रीटमेंट्स में इंडल्ज होते हैं। जैसे ट्रीटमेंट सेक्शन में हमने हाइड्रोथेरेपी का एक मॉड्यूल बनाया है जो पैक्स वाले ट्रीटमेंट से बने हुए हैं। उसमें आपका कोल्ड एब्डोमेन पैक है, हॉट एंड कोल्ड एब्डोमेन है, स्पाइनल पैक है। पैक्स के साथ साथ बाथ के ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हिप बाथ है, इमर्शन बाथ है, अंडर वाटर मसाज है। उसके अलावा लेपन विधियाँ हैं, जैसे मड बाथ है या फिर राई का एप्लीकेशन है। ये हाइड्रोथेरेपी सेक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ मालिश की एक विधि है, और मालिश जो है हो सकता है पूरा शरीर का, नहीं तो किसी पार्शियल ऑर्गन का। दिन में एक बार जरूर मर्दन यानी मालिश किया जाना चाहिए और ये ट्रीटमेंट 12 बजे तक चलते हैं। उसी बीच में हम योगा के और भी मॉड्यूल्स चलते रहते हैं पैरेलल, जैसे योगा फॉर वेट लॉस चल रहा है, योगा फॉर न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में बैक पेन, आर्थराइटिस, उनकी अलग एक सपोर्ट ग्रुप क्लासेस चलती रहती हैं। 12 बजे जो है ट्रीटमेंट्स खत्म होते हैं और गेस्ट खाने के लिए जो है किचन में चले जाते हैं। खाना लजीज होता है, यहाँ भूख लगी होती है तो वो खाने पर टूट पड़ते हैं। और भूख के साथ खाने का एक अलग ही आनंद है। और जाहिर है जब आप खाना को खुल के खाते हैं तो आपका शरीर ड्राउजी होता है। हालांकि हम खाने में शुगर का इंडक्शन कम करते हैं, लेकिन तो भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये यहाँ इतना खाना मीठा लगता है। जैसे घर पर हम कितना भी महंगा फ्रूट खाए नहीं अच्छा लगता, लेकिन यहाँ इतना मिठास, इतनी है कुदरती मिठास होती है यहाँ के। मैं खुद भी जो है ये भोजन करता हूँ और ये मुझे जैसे लगता है कि इसकी आदत लग गई है। और बाहर कहीं पर भी हम भोजन करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भोजन करने के बाद थोड़ा ड्राउजी होता है, लेकिन ये फ्रेश फूड है, वेजीज है, सब कुछ फ्रेश है, तो आप थोड़ी देर के लिए नैप लेते हैं। हमने 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का एक विश्राम का समय रखा है। उसमें मैं यही कहता हूँ कि आप नैप लें और उसके बाद फिर कुछ क्रिएटिव स्पेस में चले जाएं। किसी को ड्राइंग बनाने का शौक है, किसी को हेल्प करने का शौक है, किसी को कुछ है, तो आप एक क्रिएटिव स्पेस जरूर बनाइए। किसी को जर्नल्स लिखने का शौक है, उस क्रिएटिव स्पेस से निकलें और फिर 3 बजे ट्रीटमेंट्स शुरू होंगे। तो योगा डिपार्टमेंट में हम माइंडफुलनेस के तमाम सेशन शुरू कर देते हैं, जैसे योग निद्रा है फॉर स्लीप मैनेजमेंट, और इधर हम मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए तमाम सेशन शुरू कर देते हैं, जैसे आपका किडनी पैक है, जीएच पैक है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम्स में वहाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यहाँ पर स्पाइनल पैक्स है, या फिर रिफ्लेक्सोलॉजी है। पैरलर चलने वाले प्रोग्राम्स में एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी और अलग अलग तरीके के देसी विदेशी और भी कल्चरल थेरेपीज हैं। और डॉक्टर लगातार उन रोगियों को जिन्हें हम गेस्ट कहते हैं स्विच करता रहता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। 5 से 6 बजे के बीच में हमने प्राणायाम और ध्यान का एक सामूहिक प्रोग्राम रखा है, जहाँ सब लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, वहाँ प्रेयर्स भी किए जाते हैं, अपने क्रिएटिव स्पेस को फिर से खोलते हैं। और फिर 6 बजे हम विश्राम देते हैं ट्रीटमेंट्स को, फिर से भोजन का समय है। ये काफ़ी सही समय है डिनर करने का। डिनर करने के बाद आपकी एनर्जी फिर से थोड़ी देर के लिए ड्राउजी होती है और 8 बजे के आसपास वो एनर्जी फिर से खुलने लगती है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, क्रिएटिव एक्टिविटी में।
शाम 7:30 बजे हम लेक्चर्स अवेयरनेस कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं और वो भी बहुत अद्भुत है, बहुत ही सचमुच हर रोज एक लेक्चर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। सब कुछ जैसे जानने को मिलता है, छोटी छोटी बातें होती है जो हमें क्लियर नहीं होती है, या हम किसी भ्रम में रहते हैं कि नहीं ये खाना चाहिए, जैसे एड देख कर ये पीना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सारे भ्रम दूर होते हैं हमारे इसी लेक्चर के दौरान। और फिर 9:30 से 10 बजे का समय सोने के लिए है। हम एडवाइस करते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, एडवाइस करते हैं कि शाम सोने के समय के पूर्व कोई विग्रस एक्सरसाइजेस न करें, एडवाइस करते हैं कि किसी अननेसेसरी टॉक में आर्ग्यूमेंट में न जुड़ें, बल्कि सोशलाइजेशन करें, मैत्री भावना रखें और एक नया समूह और समाज बन जाता है, लोग बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं और एक अटैचमेंट हो जाता है जाते समय। डेफिनेटली ये बहुत फील होता है कि एक नई दुनिया से, एक अलग दुनिया से फिर से उसी दुनिया में वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर से एक बात मैं बताऊं, ये लोग जो बाहर वापस लौटते हैं, यहाँ फिर से रिज्वाइन करते हैं इस रिट्रीट को, कहते हैं कि वो किसी हद तक घर जाकर अपने घर के माहौल को बदल पाए। yes. तो दिस इज लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन एंड थेरेपी। थेरेपी जो है इन सभी इंटरवेंशंस में, लाइफस्टाइल में इसको असिस्ट करने के लिए और आपके क्रिएटिव स्पेस को बढ़ाने के लिए। जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स थेरेपीज नहीं कर सकते, उस दिन ये समझें कि आप और भी इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा माइंडफुलनेस, माइंड से रिलेटेड प्रैक्टिस करना, क्रिएटिव वर्क करना या अलग अलग तरीके के योगिक प्रैक्टिसेस करना, इसकी अपॉर्चुनिटी भी मिलती। तो ये एडवांस लोगों के लिए बना हुआ स्पेस हो जाता है। मैं देखता हूँ कि पहले बार आए हुए लोगों का मन बदलता है और फिर अगली बार जो आए हुए लोग हैं, नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो उनका मन और इन्वॉल्व हो जाता है और वो और भी इंटेंस प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने के लायक होता है। सो डे बाय डे ये और भी मैच्योर होते जाते हैं। yes, और सबसे आखिर में एक ही क्वेश्चन, ये बहुत सारे मुझे ऐसे पूछते हैं कि ये क्या शिविर है ये, मैं बोलती हूँ नहीं ये सेंटर ही है, पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है यहाँ आने के लिए? हालांकि ऋतु परिवर्तन एक सही समय होता है जब आप अपने शरीर को डिटॉक्स करें, जब जाड़े का मौसम गर्मी के साथ कनेक्ट हो, गर्मी का मौसम बारिश के साथ कनेक्ट हो, बारिश का मौसम जो है फिर से शिशिर के साथ कनेक्ट हो, और शिशिर जो है शरद के साथ कनेक्ट हो। जो जंक्शन टाइम है वो है आपने जो डिपॉजिट करके रखा है शरीर, अब उसको लेके नए वेदर में नहीं प्रवेश करेगी। और अगर शरीर, यानी शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो शायद आप पूरी तरह से इससे मुक्त ना हो पाए, तो नेचुरोपैथी जरूर करें वहाँ। लेकिन ट्रैवलिंग का एक समय होता है, फिर लोगों के लिए छुट्टियाँ वगैरह वगैरह सब हैं। गर्मियों में यहाँ आप हाइड्रोथेरेपी का आनंद लें, जाड़े में यहाँ अलग अलग तरीके के ओरिएंटल थेरेपीज का आनंद लें, उसके साथ साथ सामान्य ऋतुओं में यहाँ पर यहाँ के वेदर का आनंद लें, यहाँ की हवाओं का आनंद लें। इसके अलावा कभी भी यहाँ आए, बदलते हुए मौसम के साथ यहाँ के फलों का आनंद लें, मई जून के महीनों में यहाँ के केवी का आनंद लें। yes. और खूबसूरत वातावरण के साथ साथ खूबसूरत लोग, और लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की जो वास्तविक जीवन शैली है वो भी बहुत साधारण है। लोग अच्छा खाखरा बनाते हैं, लोगों के घर में जो है नेचुरोपैथी फूड ये लोग खुद भी बनाते हैं। तो ये कल्चर जो है आपके लिए दिन ब दिन आपको देख के और विकसित हो रही है, तो इसका आनंद लें। लेकिन फिर भी सीजन का जो पीक टाइम है
वो आपका सितंबर के लास्ट वीक से शुरू होकर मार्च के लास्ट वीक तक चलता है। और ये एक अद्भुत समय है जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। हाँ। और एक अद्भुत संगम होता है यहाँ। नहीं, वो तो मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने ये तो सब व्यूअर्स की जानकारी के लिए पूछा, लेकिन साल का कोई भी महीना हो, यहाँ इतना एंजॉय करते, ऐसे कहीं कभी नहीं लगता कि यहाँ कोई इलाज करवाने आए हैं, ये पूरा एंजॉय यानी रिलैक्स एकदम फील होता है, पूरा एंजॉय करते हैं, जिसे छुट्टियाँ मना कर आए हो, ऐसा सबसे ज्यादा मुझे ही फील होता है। मुझे तो बहुत होमली फील होता है, जबकि मैं तो बहुत दूर से यहाँ आया। तो आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी नेचुरल थेरेपी के बारे में, उसके लिए थैंक यू सो मच।